Hello everyone, today we will solve exercise 5.1 class 5 वॉक में. ये एक्सरसाइज रह गई थी, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछी है सर इसको भी वीडियो बना के अपलोड कर दीजिए इस एक्सरसाइज का. तो आज हम 5.1 और कल हम 5.2, उसके आगे सारी है 5.3, 5.4, 5.5 सब है ना. तो चलिए करते हैं 5.1. टॉपिक आपका ये डेसिमल पर है ना. इन द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल. इसमें चार पार्ट्स दे रखे हैं, ए बी सी डी. ए में 3 डेसिमल्स दे रखे हैं, ये तीनों अनलाइक हैं. कैसे अनलाइक है देखो, 0.3, 2.3, 4.5, 2.003. यहाँ पर डेसिमल प्लेस 1, डेसिमल प्लेस का मतलब डेसिमल क्या कितनी डिजिट है ना, ये 1, यहाँ 1, यहाँ 3. तो जिसमें अगर बहुत सारे डेसिमल दे रखे हों और हर एक के डेसिमल प्लेस अलग हों, जैसे यहाँ 1 है, 1 है, ये 3 है, तीनों सेम नहीं है, यानी कि सारे के सारे के डेसिमल प्लेस सेम ना हो, तो कहलाते हैं अनलाइक. ठीक है ना, और हमें इसको लाइक में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करते हैं, चलिए करते हैं. फर्स्ट पार्ट में था डेसिमल क्या है, 2.3, 4.5 एंड 2.003. तो इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, डेसिमल का कितनी चीज है, 1 है, ये डन 1 डेसिमल प्लेस हुआ. सेकंड डेसिमल में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, ये भी 1 डेसिमल प्लेस हुआ. ये दोनों तो लाइक हैं, लेकिन हमें जितने भी डेसिमल्स दे रखे हैं, एक और दे रखा है 2.003, इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, 1, 2, 3, यानी कि डेसिमल क्या 3 डिजिट है, यहाँ 1, 1 है या 3, तो ये अनलाइक है. इसको लाइक में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेस हो उन्हें देख लो कितने हैं, सबसे ज्यादा 1, 2, 3, तो सबको हमें 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है. और ये बहुत ईजी होता है. ये कितने डेसिमल प्लेस है, 1, कितनी डिजिट कम पढ़ रहे हैं, 2, तो आप आगे उतने ही 0 इंसर्ट कर दो, 2.3, 2.30 या 2.300, ये दोनों इक्वली होते हैं. पता है लास्ट में जितने भी 0 डेसिमल उनका कोई मीनिंग नहीं है ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 2.3 इक्वल हो गया 2.300. लेकिन इन दोनों में इतना अंतर है, यहाँ 1 डेसिमल प्लेस है, ये 3 डेसिमल प्लेस हो गया, क्योंकि डेसिमल का 3 डिजिट है, 1, 2, 3. ओके, सेकेंड था 4.5, अब तो आपको समझ में आ गया, हमें कन्वर्ट करना हाईजेस्ट ही 3 डेसिमल प्लेस में. इसमें भी 2.0 कम पड़ रहे हैं, फिर 2.0, और ये तो इक्वल दे ही रखा है इससे कहे, तो इसको ऐसे लिख लो. तो तीनों के तीनों कैसे हुए लाइक डेसिमल. तो आप नीचे एक लाइन में लिख सकते हो कि 2.300, 4.500 एंड 2.003 आर लाइक डेसिमल. हमें अनलाइक दे रखे थे, उसको हमने क्या करा, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया. ओके, नाउ बी पार्ट. And B part is, in B part, decimal is given 45.6, second है 4.6 and third है 4.056. इसमें कितने decimal place हैं, यानि कि decimal के बाद कितनी digits है, 1, ये 1 decimal place है, same ये 1 है, और ये 1, 2, 3, ये 3 decimal place है. तो यानि कि हमें इन तीनों को 3 decimal place में convert करना है. तो चलिए लिख लिए, 45.6 को हम क्या ले सकते हैं, 45.6, कितने डिजिट्स कम पड़ेंगे, 2, तो क्या बताया, आगे आप 2.0 इंसर्ट कर. सिमिलरली 4.6 को क्या लिखेंगे, 4.6, 1 डिजिट्स तो आगे 2 कम पड़ेंगे, इसमें भी आप 2.0 इंसर्ट कर लो. और ये ऑलरेडी हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस का ही, क्योंकि हमने देखा हाईएस्ट डेसिमल प्लेस कितने थे, 3, तो हमने इन तीनों को कन्वर्ट कर लिया 3 डेसिमल प्लेस में. तो ये हो गए लाइक. लिख लीजिए आप 45.600, 4.600 एंड 4.056 आर लाइक डेसिमल. तो ये आपका बी पार्ट कंप्लीट हुआ. नाउ सी पार्ट, एंड सी पार्ट इज फर्स्ट डेसिमल दे रखा 6.6, सेकंड 6.06 एंड थर्ड 6.666. चलिए देखें इसमें डेसिमल क्या 1 डिजिट, ये 1 डेसिमल प्लेस, या डेसिमल क्या 2 डिजिट, ये 2 डेसिमल प्लेस, एंड डेसिमल के बाद 1, 2, 3 डिजिट्स, तो ये 3 डेसिमल प्लेस. तो हाईएस्ट कितनी प्लेस है, 3, तो हमें इन तीनों को 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है. बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्या करेंगे, 6.6 है, 2 डिजिट्स कम, तो बोलो क्या, हाँ 2.0 इंसर्ट. 6.06 एक डिजिट कम, तो 1.0 इंसर्ट. और 6.666 में 3 डेसिमल प्लेस है ऑलरेडी, तो ये सेम रहेगा 6.666. तो ये तीनों अब चेंज हो गए, किसमें, ये तीनों अगर ऐसे लिख दे तो लाइक डेसिमल हो गए. लिख दीजिए 6.600,
6.060, 6.666 are like decimal. तो ये आपका सी पार्ट कंप्लीट हुआ. नाउ लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर वन का डी पार्ट. एंड डी पार्ट इज इन द डी पार्ट 1.2 फर्स्ट डेसिमल, सेकंड दे रखा है 2.31, थर्ड दे रखा है 12.132. फर्स्ट में डेसिमल के बाद वन डिजिट्स, तो ये वन डेसिमल प्लेस. यहां पर 0.31 पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है 2, तो ये 2 डेसिमल प्लेस हुआ. और यहां 1, 2, 3 थ्री डिजिट्स है तो 3 डेसिमल प्लेस. तो समझ में आ गया, हमें इन सबको 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है. तो 1.2 को 1.2 एक ही डिजिट है, दो डिजिट कम पड़ रही हैं, तो 2, 0 इंसर्ट कर लिए. दूसरा है 2.31, तो 2.31 डेसिमल के बाद 1, 2 टू डिजिट हैं, चाहिए कितनी 3, तो एक कम पड़ रही है, तो आगे लास्ट में एक जीरो इंसर्ट कर लो. और ये पूरी है 12.132 में, तो 3 डेसिमल प्लेस है 12.132. तो ये सब इसमें कन्वर्ट हो गए लाइक डेसिमल में. तो आप लिख लीजिए 1.200, 2.310 एंड 12.132 आर लाइक डेसिमल. ओके, तो ये क्वेश्चन वन आपका कंप्लीट हुआ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू. एंड क्वेश्चन टू इज, क्वेश्चन टू क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ये सिंबल क्या था, ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू. उस सिंबल लगाने पर ये ट्रू हो जाना चाहिए, हमें ऐसा सिंबल लगाना है. चलिए करते हैं. तो पहला था 4.7 और 7.4, तो मतलब क्या है, हमें जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट डेसिमल जो दे रखा है, इसकी कंपेयर करनी है हमें सेकंड नंबर के. अगर ये ग्रेटर है तो ग्रेटर का सिंबल, लेस देन है तो लेस देन का, और अगर बोथ इक्वल है तो इक्वल का. तो डेसिमल का कंपेयर करने का तरीका क्या है, देखिए पहले आप डेसिमल से पहले जो भी लिखा हुआ है वो कहलाता है होल नंबर पार्ट, और डेसिमल के बाद डेसिमल पार्ट्स. तो पहले हम होल नंबर पार्ट्स देखेंगे. अगर ये होल नंबर पार्ट्स इससे बड़ा है तो पूरा डेसिमल बड़ा होगा, बाद में हम जरूरत ही नहीं है. अगर होल नंबर पार्ट दूसरे डेसिमल के होल नंबर पार्ट से छोटा है, यानी कि स्मॉलर है या लेस देन है, तो उसका स्मॉलर होगा. डेसिमल से पहले क्या लिखा है, 4, तो होल नंबर पार्ट्स क्या है, 4. यहां डेसिमल पर क्या है, 7. यहां 4 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, तो 4 क्या है, 7 से लेस देन है, छोटा है, तो ये पूरा डेसिमल छोटा होगा. छोटे का सिंबल ये होता है लेस देन, इसे बोलते हैं लेस देन. यानी कि इसे पढ़ते क्या, 4.7 इज लेस देन 7.4, 4.7 7.4 से छोटा. अब यहां आ जाओ, डेसिमल से पहले यानी कि होल नंबर पार्ट देख रहे हैं वो है 24, यहां डेसिमल से पहले 2. 24 और 2 में 24 कैसा है, 2 से बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, ग्रेटर है, बहुत बड़ा है, 22 नंबर ज्यादा है इसके ना, 24 इज ग्रेटर देन 2, तो इसमें ग्रेटर का सिंबल लग गया, और ग्रेटर का सिंबल होता है ये, तो ये ग्रेटर का साइन आ गया. ओके, नाउ सी पार्ट. इन सी पार्ट 5.963 और यहां 5.965. तो हमने क्या है बताया, सबसे पहले हम डेसिमल से पहले यानी कि होल नंबर पार्ट की कंपेयर करेंगे. यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, ये तो दोनों इक्वल है, तो क्या ये इक्वल हो जाएगा, नहीं. जब होल पार्ट इक्वल हो उसके बाद हम डेसिमल के बाद जो डिजिट होती है ये क्या कहलाती है, टेंथ. टीएच लगा होगा, टेन नहीं, टेंथ है ना. फिर हम टेंथ प्लेस की डिजिट को देखें, कब, जब होल पार्ट सेम हो. यहां पर पॉइंट से पहले 5, यहां भी पॉइंट से पहले 5, तो अब यहां जाओ, यहां 9 है, यहां 9, ये भी सेम आ गए, तो टर्निंग को जो होती है, क्या ये इक्वल होंगे, नहीं. अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके आगे क्या लिखा है, इसे बोलते हैं हंड्रेड, है ना. आगे डिजिट का कंपेयर करेंगे, यहां 6, यहां 6, ये भी सेम आ गए, तो कोई डरने की जरूरत नहीं. फिर आगे बढ़ो, जो थाउजेंड पार्ट्स पर डिजिट है क्या है, 3, और यहां 1000 डिजिट कितनी है, 5. तो इसका कंपेयर इससे करो, 3 5 से ग्रेटर है कि स्मॉलर है, स्मॉलर है, तो ये स्मॉल होगा यानी कि लेस देन होगा, तो इसमें आएगा लेस देन. समझ में आया. सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल से पहले जिसको हम बोलते हैं होल पार्ट, होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट देखेंगे. जैसे इससे पहले दोनों में होल नंबर पार्ट से काम हो गया था, एक में होल नंबर पार्ट छोटा था तो लेस देन हो गया, एक में बी वाले में बड़ा था, 24 था वो 2 था, तो बड़ा था बड़ा आ गया. लेकिन यहां क्या था, होल नंबर पार्ट सेम है, यानी कि डेसिमल से पहले 5, यहां भी डेसिमल से पहले 5, तो डरने की जरूरत नहीं है. हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट देखेंगे. अगर ये मान लो सेम नहीं होती है 9 या 8, तो 9 तो ग्रेटर हो जाता, लेकिन इत्तफाक से यहां पर ये भी सेम आ गई, जिसको हम टेंथ प्लेस बोलते हैं. फिर आगे वाले डिजिट्स यानी कि हंड्रेड प्लेस की डिजिट देखें, ये 6, ये भी सेम आ गई, कोई डरने की जरूरत नहीं है. फिर आगे बढ़ो, आगे
थाउजेंड्स वाली प्लेस की डिजिट देखी वो थ्री या फाइव के डिफरेंस है। तो इधर जो होता है लेफ्ट की तरफ उसको देखते हैं अगर सिंबल लगाना है। अगर पूछता विच इज ग्रेटर तो ये ग्रेटर हो गया, विच इज स्मॉलर ये स्मॉलर हो गया। लेकिन केवल बॉक्स में सिंबल लगाना है तो हम फर्स्ट जो पहले दिख होता है यानी कि बॉक्स से पहले दूसरे बोलने लेफ्ट हैंड साइड में जो होती है उसको बताना होता है ये बाद वाली से ग्रेटर है इक्वल है लेस देन है ना। तो हमने देखा लास्ट वाली डिजिट थ्री ये लास्ट वाली डिजिट फाइव इससे छोटी है तो पूरा डेसिमल इससे छोटा होगा तो लेस देन। अब यहाँ आ जाए तो सीरीज देखें 38.45 38.5 दोनों इक्वल है तो यहाँ इक्वल का साइन आ जाएगा। ओके तो ये क्वेश्चन टू आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन थ्री इज एंड क्वेश्चन थ्री इज अरेंज दीज डेसिमल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, ये जो हमें चार डेसिमल्स दे रखे हैं चार पार्ट्स हैं ए बी सी डी तो इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर तो जानते हो अच्छे से क्या होता है, स्मॉल से हम ग्रेटर की तरफ छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे वो असेंडिंग ऑर्डर। जैसे हम कहें थ्री फोर सिक्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर थ्री फोर सिक्स है ना, थ्री थ्री से बड़ा फोर, फोर से बड़ा सिक्स। तो यानी कि इसमें सबसे छोटा डेसिमल जो होगा वो पहले लिखेंगे फिर उससे बड़ा जो होगा बाद में और सबसे बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में। कैसे करते हैं चलिए बताते हैं। जैसे ए पार्ट में हमें डेसिमल्स दे रखे हैं 1.004, सेकंड दे रखा है 0.04 और थर्ड दे रखा है 0.104। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है क्योंकि फिफ्थ क्लास थोड़ी छोटी क्लास मान ली जाती है ना, आप थोड़े छोटे बच्चे हैं छोटे तहीं और बड़ी क्लास के हिसाब से नाइन टेंथ। तो इसका एक तरीका क्या है कि हम इसको लाइक डेसिमल कन्वर्ट कर लो, ये कंपलसरी नहीं है आप डायरेक्ट लिख सकते हो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन छोटे बच्चे तहीं खेरा आप थोड़े है ना और क्लास के पैसा। तो लाइक डेसिमल हमने बताया था कि डेसिमल प्लेस सेम कर लो ठीक है ना। तो चलिए वही करते हैं दोनों चीज़ पहले ओरल समझ लो। ओरल हमने बताया डेसिमल से पहले जो है उसका कंपेयर करो, यहाँ डेसिमल से पहले वन, यहाँ डेसिमल से पहले जीरो, ये डेसिमल से पहले जीरो। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा हो गया, होल नंबर पार्ट कौन सा बड़ा है, वन बड़ा है तो वन बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा तो ये हुआ, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगना है तो सबसे बड़ा सबसे लास्ट में तो ये सबसे लास्ट में आएगा, मैं आपको बताऊँ पहले ऐसे ही। और फिर देखिए अब बच्चे ये डेसिमल से पहले जीरो डेसिमल से जीरो तो ये तो इक्वल हो गए, तो हमें बाद वाला देखना टेन प्लेस, यहाँ डेसिमल का जीरो या डेसिमल के बाद, तो इन दोनों कौन सा बड़ा ये, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ ये। तो आप ऐसे कर सकते हो तो लिख सकते हो सबसे छोटा पहले लिखना है 0.04, उससे बड़ा हुआ 0.104 और उससे भी बड़ा है 1.004। कहोगे मैंने स्पेस क्या छोड़ दी। अब इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर लगना है तो आप तो कॉमा लगा के लिख सकते हो या फिर असेंडिंग ऑर्डर के लिए सिंबल ये आता है। कैसे समझाऊंगा ये देखो, 0.04 क्या है, 0.104 से लेस देन, इसका मतलब क्या है 0.04 इज लेस देन 0.104 और ये लेस देन किससे है 1.004। सबसे बड़ा ये हो गया तो ये आंसर हो गया ओरली डायरेक्ट, कोई हमने लाइक डेसिमल को कन्वर्ट नहीं करा लाइक डेसिमल में है ना। लेकिन क्योंकि आप छोटी क्लास है पहले तो समझ में आ गया होगा लाइक डेसिमल से कुछ फर्क नहीं पड़ना है। अगर हम लाइक डेसिमल कन्वर्ट करते हैं तो क्या थ्री डेसिमल आगे जीरो तो बढ़ाएंगे है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं है नहीं ना होना। चलो कर देता हूँ मैं दूसरा मेथड देखो, आप ऐसे कर सकते हो बहुत खुशी की बात। दूसरा हमने पहले क्या करा सबको लाइक में कन्वर्ट कर लिया और लाइक में डायरेक्ट लिखते रहा हूँ, यहाँ कितने डेसिमल है थ्री डेसिमल प्लेस क्योंकि लाइक वाले मैं बता चुका पहले क्वेश्चन में, या टू डेसिमल प्लेस या थ्री डेसिमल प्लेस। तो हम इन सब तीनों को किसमें लिखेंगे लाइक डेसिमल में यानी कि थ्री डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करेंगे। तो थ्री में है 0.04 एक डिजिट कम पड़ रही है लगा दिए जीरो और 0.104 ये हो गए लाइक डेसिमल। अब काम वही करना है हमें डेसिमल से पहले देखो सबसे ये वन या जीरो जीरो ये सबसे बड़ा है ये सबसे लास्ट में आएगा ही लिख दो सबसे लास्ट में। अब वही कंपेयर करो डेसिमल से पहले तो सेम है तो डेसिमल के बाद यहाँ वन यहाँ जीरो तो इनमें कौन सा छोटा है ये तो ये सबसे छोटा हो गया सेकंड नंबर पर ये आएगा तो ये हो गया 0.040 लेस देन 0.104 लेस देन का सिंबल लगा। फिर इसको चाहो तो ओरिजिनल फॉर्म में लिख लो मतलब जो हमने जीरो डाय उठा के या कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अभी एक और समझिए बी पार्ट, बी पार्ट में हमें दे रखा है 10.202 कॉमा 2.202 कॉमा 420। अब देखो आप लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करो, डायरेक्ट से मतलब कोई लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। कैसे यहां देखते हैं, यहां डेसिमल से पहले क्या है 10,
यहां डेसिमल से पहले क्या है टू, तो इन दोनों में छोटा कौन सा हुआ ये, अब ये कितना है 420, यहां तो डेसिमल है नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा डेसिमल है। समझ में आ गई, लगता है बच्चों को समझ में आ गई, डेसिमल नहीं होता तो इसका मतलब लास्ट में डेसिमल, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है तो होल नंबर पार्ट की कंपेयर, ये 10, ये 2 और डेसिमल से 420 सबसे छोटी हुई, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा डेसिमल पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा 2.20, फिर ये सिंबल लगा दो लेस देन, ये तो हो गया। अब बच्चे ये दो, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, डेसिमल से पहले 420 या डेसिमल से पहले 10, तो 10 क्या होता है 420 से छोटा, तो ये नंबर छोटा हुआ डेसिमल, सॉरी, तो ये हो गया 10.02 और सबसे लास्ट में तो बचा ही 420, लग गया असेंडिंग ऑर्डर। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में 0.13, 0.2, 0.182, 4.93, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो डेसिमल से पहले 0, 0, 0, ये तो सेम्स हो गए, ये डेसिमल से सबसे बड़ा ही हुआ, तो सबसे लास्ट में तो यही आना है क्योंकि सबसे बड़ा हो गया। अब हमें इन तीनों में देखना है कौन सा छोटा है, वो सबसे पहला आएगा। डेसिमल के बाद वाले कंपेयर करेंगे, डेसिमल के बाद 1 या डेसिमल के बाद 2 या डेसिमल के बाद 1, यहां तो 2 है तो ये सेकंड लास्ट, समझ में आ रहा है। तो आप सबसे उल्टा लिखना शुरू कर दो, सबसे बड़ा ये था, उससे बड़ा आया छोटा, सॉरी 0.2। अब बचे ये दोनों, इन दोनों कैसे कंपेयर करेंगे, 0 के बाद डेसिमल के बाद, सॉरी 1, 1 सेम है, सेकंड डिजिट जिसको हम बोलते हैं 100th, ये 3 या 8, इन दोनों से कौन सा छोटा होगा, 3 छोटी है तो ये पहले आएगी और ये बड़ा है, तो सबसे पहला आ गया 0.13 इज लेस देन 0.182 और ये ओहो स्पेस लगाना भूल गया, चलो लिखता हूँ 0.13 सिंबल सॉरी लेस देन 0.182 लेस देन 0.2 इज लेस देन 4.9, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। देखा हमने क्या करा, कोई लाइक डेसिमल कन्वर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, पहले हमने होल नंबर पार्ट देखे, जो सबसे बड़ा उसको सबसे लास्ट में लिख दो क्योंकि असेंडिंग में सबसे बड़ा बस बाद में आएगा। फिर जो बचे थी उनमें देखो दूसरे नंबर पर कौन सा है, डेसिमल से पहले 2, सॉरी डेसिमल से 0, डेसिमल से पहले 0, डेसिमल से 0, अभी तक तो तीनों सेम है। फिर क्या करते हैं डेसिमल के जस्ट बाद जिसको बोलते हैं 10th प्लेस डिजिट देखनी है, या 1 या 2 या 1, तो ये 1 है, 2 बड़ा है तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर ये होता है, रिवर्स में सेकंड नंबर पर ये आएगा। अब बच्चे ये दोनों, इनमें से जो बड़ा है वो यहाँ आएगा, 13 है 18 बड़ा होगा तो 18 वाले डिजिट से आ गई आगे। ओके नाउ लास्ट डी पार्ट, डी पार्ट इज 5.3, 5.32, 5.31, 15.1 और 0.245। तो पहले आप होल नंबर पार्ट्स को देखो, पॉइंट से पहले 5, पॉइंट से पहले 5, पॉइंट से पहले 5, पॉइंट से पहले 15, पॉइंट से पहले 0, सबसे बड़ा ये, सबसे लास्ट में इसे लिख दो, सबसे बड़ा संख्या तो सबसे लास्ट में ही आनी है, ठीक है। अब यहां देखो फिर कौन से बड़े हैं, 0.5, 0.5, 0.5, ये तो हो चुका, ये तो काम हो गया, इसको सर्किल इससे मतलब 0.0, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, पॉइंट से पहले 0, तो सबसे पहले ये आएगा, सबसे पहले यहां लिख दो 0.245, फिर सिंबल तो आप ये लगा दो, इसका भी काम हो गया, सबसे पहले ये आया, सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये, तो ये हो गया। अब यहां देखो डेसिमल से पहले 5, डेसिमल से पहले 5, डेसिमल से 5, तीनों सेम है, तो डेसिमल से जस्ट बात चलो, यहां 3, यहां 3, यहां 3, अभी तक सेम है। अब यहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहा, 0 डाल लेते हैं, यहां 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, तो इन तीनों में कौन सा छोटा, ये, तो अब आएगा ये कौन सा 5.3, फिर सिंबल लगा दो। अब बच्चे ये, इसका भी काम हो गया, 5.32, 32 और 31, कौन सा बड़ा है, 32 या 31, 31 छोटा है, 32 बड़ा है, पहले छोटा लिखते हैं तो 31 पहले आएगा, 5.31 इज ग्रेटर देन 5.32 इज ग्रेटर, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन 4 इज रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डेसिमल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, उसमें असेंडिंग ऑर्डर, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है उसका, चलिए करते हैं। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना था, सबसे पहले सबसे छोटा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट, डिसेंडिंग में रिवर्स होता है, सबसे बड़ा नंबर पहले ही आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो हमें क्या करना है, समझिए शायद, है ना, होल नंबर पार्ट देखो, यहाँ डेसिमल से पहले 4, यहाँ डेसिमल से पहले 9, यहाँ डेसिमल से पहले 3,
तो ये इससे क्लियर हो गया, नाइन सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा नंबर यही हुआ, तो सबसे पहला आप ये लिख दो 9.20। इसमें सिंबल ये लगता है ग्रेटर देन, ये तो हो गया। अब बच्चे ये यहाँ 0.4 या 0.3, मतलब होल नंबर बात की चल रही है, 0.4 0.3 गलत हो गया, पॉइंट से पहले बोलने वाला था, यहाँ पॉइंट से पहले 4 है, यहाँ पॉइंट से पहले 3 है, 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 यानी कि सेकंड नंबर पर ये जो बड़ा है उसे लिखते जाओ, अब जो बचा वो बचा ही वो लास्ट में, तो ये आई गई आएगा, तो ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। नाउ बी पार्ट, बी पार्ट में डेसिमल दे रखे हैं 4.45, 0.45, 41.45 और 317.45। क्या करेंगे, हमें होल नंबर पार्ट की कंपेयर करना है, डेसिमल से पहले यहाँ 4, यहाँ डेसिमल से पहले 0, यहाँ डेसिमल से पहले 41, यहाँ डेसिमल से पहले 317। सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो सबसे पहले यही आएगा 317.45, सिंबल याद लगे, इसे बोलते हैं ग्रेटर, तो ग्रेटर देन, ये तो हो गया। अब देखो कौन से बच्चे, 1, 2, 3, डेसिमल से पहले 4, डेसिमल से पहले 0, डेसिमल से पहले 41, तो कौन सा बड़ा है होल नंबर पार्ट, 4 बड़ा है कि 0 की 41, तो इसके बाद यही आएगा 41.45, फिर सिंबल लगा दो, ये भी हो गया, ये दो बचे, यहाँ डेसिमल से पहले 0 है, यहाँ डेसिमल से पहले 4 है, तो कौन सा बड़ा है, 4.45, तो ये आएगा 4.45 और लास्ट में है 0.45, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। नाउ सी पार्ट, सी पार्ट देखो कोई लैक में कन्वर्ट नहीं करा, हालांकि लैक डेसिमल थे क्योंकि डेसिमल का 2, 2, 2, 2 थे, नहीं भी होते तब भी काम हो जाता, कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे सी पार्ट में लाइक नहीं है, अनलाइक है, 0.432, 8.2, 4.90 और 2.2, देखो ये 3 डेसिमल प्लेस क्योंकि डेसिमल का 3 डिजिट्स, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट्स है, तो ये 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ 2 है, ये 2 डेसिमल प्लेस, ये 1, कहने का मतलब क्या है कि अनलाइक डेसिमल है, तो हमें कोई लाइक में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। क्या बताया था, हम होल नंबर पास देखेंगे, यानी कि डेसिमल से पहले वाले डिजिट देखेंगे, ये क्या 0 या 8 या 4 या 2, सबसे बड़ी कौन सी है 8, तो सबसे बड़ा डेसिमल हो गया 8.2 इज ग्रेटर देन, ये तो हो गया। अब बचे हैं ये 1, 2, 3, इनमें देखो, अब इन तीनों बच्चों में कौन सी बड़ी डिजिट है, डेसिमल से पहले 0, डेसिमल से पहले, डेसिमल से पहले को क्या बोलते थे, होल नंबर पार्ट, यहाँ 4 है, ये 2, तो 0, 4, 2 में कौन से 4, तो ये नंबर तीनों में बड़ा हुआ, तो इसके बाद दिया जाएगा 4.90, ये भी हो गया। अब एक ये बचा, एक ही बचा, यहाँ डेसिमल से पहले यानी कि होल नंबर पार्ट 0 है, यहाँ होल नंबर पार्ट 2 है, तो ये बड़ा हुआ, तो 2.2 आएगा, और लास्ट में बचा जो नंबर वो लिख दो डेसिमल 0.432। ओके, डी पार्ट में हमें नंबर दे रखे डेसिमल 2.5, 3.6, 0.9, 1.0 एंड 8.04, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। होल नंबर पार्ट, डेसिमल से पहले 2, डेसिमल से पहले 3, 0, 1, 8, सबसे बड़ा 8 है तो सबसे पहले ये आएगा 8.04 इज ग्रेटर देन, ये तो हो गया। अब जो बचे हैं, एक कब है 1, डेसिमल से पहले की बात चलिए, होल नंबर पार्ट पढ़ाऊँ खाली में, 1, 0, 3, 2, तो कौन सा है 3.6 बड़ा है, तो फिर 3.6 आएगा, ये भी हो गया। अब जो बचे हैं 2.5, 0.9, 1.0, तो पॉइंट से पहले 2 ये बड़ा है, तो ये आ जाएगा 2.5, फिर बचा क्या 1.0 और फिर डेसिमल से 0, जल्दी कर दिया मैंने, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है आपको डेसिमल को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना बहुत अच्छे से आ गया होगा, लाइक अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना भी सीख गए, और कंपेयर करना यानी कि सिंबल को इंसर्ट करना सीख गए, ग्रेटर देन कब लगता है, लेस देन कब लगता है, इक्वल कब लगता है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।